शाम के मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करके अभी बाहर पहुंचे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि आखिरकार इन्होंने वोट किस आधार पर दिया है और क्या सोचकर वोट दिया है। आप वोट डालकर आए हैं, क्या मुद्दे थे आपके सामने, किस तरह से जहन में सवाल थे कि आप वोट करके आए? देखिए, मुद्दे 2014 में जब लोगों ने पूरे हरियाणा प्रदेश में और देश में भाजपा को सत्ता सौंपी और जो उन्होंने वायदे करे, जैसे कि बुलेट ट्रेन आएगी, मैं 15-20 लाख रुपए खाते में डाल दूंगा, 2 करोड़ रोजगार आएगा, राम मंदिर बनेगा, अपना बाहर से निवेश आएगा, मेक इन इंडिया का नारा दिया, गंगा साफ का नारा दिया, गाय की राजनीति करी, वो सारे के सारे मुद्दे आज धरातल पर कहाँ हैं? आज बीफ एक्सपोर्ट बढ़ गया, गंगा पे जो राजनीति होती थी 58% गंगा मैया मैली हो गई, 4000 करोड़ रुपए का ये लोग गबन कर गए। राफेल की बात करें तो 500 करोड़ वाला जहाज आज 1600 करोड़ रुपए का हो गया, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बाद भी वो लोग इसमें क्लियर नहीं पाए। 2 करोड़ रोजगार में राष्ट्रहित एक बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है, क्या लगता है कि आपने मूलभूत सुविधाओं को जहन में रखकर वोट दिया है राष्ट्रहित को? देखिए, मूलभूत सुविधाएं की बात करें तो आज हरियाणा में बेरोजगारी सबसे चरम सीमा पर है। अगर क्राइम रेट की बात करें, जो हरियाणा कांग्रेस की सरकार में प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर वन हुआ करता था, गुड़गांव से 19 बड़ी कंपनियां मोदी जी गुजरात ले गए। तो भाजपा के जो लोग, जो भाजपा की कथनी और करनी में फ़र्क है यार, ये लोग जिन्होंने 35 बिरादरी का नारा दिया, भाईचारे को तोड़ने का काम करा। कहीं ना कहीं मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करके आ गए हैं और उनके अंदर कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, लेकिन हम आपसे जानते हैं, आप भी अपने मत का इस्तेमाल करके पहुँचे, क्या लगता है? जी, हमने अपना वोट दिया है, हमने अपना वोट मोदी जी को दिया है। वो इसलिए वोट दिया है मोदी जी को कि एक मजबूत सरकार चाहिए, मजबूर सरकार नहीं चाहिए, इसी वजह से हमने मोदी जी को वोट दिया। क्या जो प्रत्याशी आपके यहाँ से हैं, आप प्रत्याशी को सामने रख कर वोट दे रहे हैं या फिर ऊपर चेहरा देख रहे हैं? सर, हम बिल्कुल प्रत्याशी को सामने रख के नहीं देख रहे, हम नहीं जानते उनको वो कौन है, वो 5 साल में एक बार ही आए होंगे और वोट मांगने आए हैं, इसलिए सिर्फ हम मोदी जी को देख के वोट दे रहे हैं और हम प्रत्याशी को देख के नहीं दे रहे वोट। ऐसा क्या 5 साल में मोदी ने किया जो आप? सर, आप बताओ ना, 5 साल में बहुत कुछ करा है मोदी जी ने, देश को बहुत आगे तक ले गया, आज भारत के बाहर हमारे देश का इतना मान हो रहा है, सब जगह हो रहा है, तो इसलिए हम तो वोट अपना मोदी जी को दे रहे हैं। आप बताइए, आप भी वोट डाल के क्या करेंगे? जी, मोदी जी से बढ़िया कोई भी नहीं है और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी मोदी जी के बराबर तो कहीं टिकते भी नहीं है। अंदर किसी तरह की कोई आपको दिक्कत आई जब वोट डालने गए? अंदर किसी प्रकार की कोई अफरा तफरी नहीं है, ठीक तरीके से मतदान हो रहा है। सुरक्षा के लिए आज से बात करें, सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो? सुरक्षा की दृष्टि से मोदी जी का मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। हमारे साथ महिला मतदाता भी हैं जो अभी अपने मत का इस्तेमाल करके पहुंची हैं। आप क्या कहेंगे, आपने आज वोट डाल के आए हैं, किन आधार पर वोट दिया और जब आप वोट डाल रहे थे तो किस तरह के सवाल आपके जहन में आ रहे हैं? जब मैंने वोट दिया तो मेरे जहन में यही आ रहा था कि जो पिछले 5 सालों में हो रहा है वो आगे ना हो, क्योंकि मोदी जी का नाम ले लेके बहुत से मतदाता वो जो वोट तो ले रहे हैं मगर उनको जमीनी स्तर पर बिल्कुल कुछ नहीं पता है कि आम आदमी की समस्याएं क्या हैं, मोदी जी कहाँ हैं। और हम तो ये देखेंगे कि हमारे जो प्रत्याशी हैं वही हमारे पास तक आ जाए, मोदी जी तो हमारे घर आएंगे नहीं पूछने कि आपको क्या प्रॉब्लम है, हमारे जो प्रत्याशी हैं, जो हमारे उम्मीदवार हैं वही आएंगे। आप महिला हैं, महिला कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है, आप किस तरह देखते हैं? कानून व्यवस्था, इस कानून व्यवस्था में औरतों की सुरक्षा हो, किचन में जो गैस सिलेंडर के भाव उन्होंने इतने बढ़ा दिए हैं, सब्जी की सारी महंगी हो गई है और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपना इस लोकतंत्र के महापर्व में आपको अपनी वोट का कब से इंतजार था और अब आप वोट डालकर आ रहे हैं? सर, काफ़ी टाइम से इंतजार था पर आज टाइम मौका मिला तो मैंने अपने मत का बिल्कुल सही तरह से उपयोग किया है और कोशिश करते हैं कि हमारा मत कैप्टन अजय यादव जी को। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं तमाम जो मतदाता हैं वो अपने अपने वोट का इस्तेमाल करके आ चुके हैं और लोगों के जहन में हर तरह के सवाल यहाँ पर है, कोई मोदी भक्त है तो कहीं कोई राहुल भक्त है, तो ऐसे में ये 23 मई को साफ हो पाएगा कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।